गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, पैलाग, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मॉर्निंग के बजे अभी 8:30 और आज संडे तो मैं घर पे ही हूँ। दो दिन से छुट्टी है मेरी, दो दिन के लिए घर पे हूँ। तो आज लास्ट डे है और आज लास्ट डे बच्चों के स्कूल का भी है, क्योंकि कल से सभी का स्कूल खुल रहा है। तो आई होप बच्चों ने सब ने इन्जॉय किया पूरा समर हॉलीडे। तो दोस्तों आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग मॉर्निंग से हो गई है, तो चलो बाहर चलते हैं। अभी भी बारिश कंटिन्यू है बाहर, और अभी सबसे पहले जाएंगे अपने कोल्ड फार्मिंग में, वहां पर जाके दाना वाना देंगे उन्हें। चलो पहले चलते हैं वहाँ। तो हम आ गए हैं अपने फार्म के ऊपर, और यहाँ पर भोला को देखो कैसे स्टैंड कर रहा है, जाली में आ गया। इसके लिए लाया हूँ मैं ये गेहूँ, हल्के ब्राउन करके लेके आया हूँ भून के। ये खिलाऊंगा मॉर्निंग में इसको, देखते हैं कितने मज़े से खाता है। ये देखो कितने मज़े से खा रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। अबे चबा भी ले, भूने भी कम है। इनको भी चाहिए कुछ ना कुछ, सभी चिल्ला रहे हैं। इनको खोला जाएगा, इनको वहाँ बांध दिया है, इसको वहाँ बांध दिया, क्योंकि आगे सब जगह बारिश हो रही, कीचड़ हो रहा है, तो इनको यहीं बांधा हुआ है। ये देखो इसको सब कुछ चाहिए। मत दे मत दे, हम मत देना, भरपेट खा लिया तूने, ले ले। और चाहिए, और इन सबको दे रहे हैं भूसा, और ऐसे दाना डाल के इसके ऊपर दाना है भूसे के साथ मिक्स करके चाव से खा रही है। देखो तो लक्षित को कर दिया टकला है, लीग रहे हैं। अब पीछे देख सारे बाल काट दिए यार। अरे ना हिलना नहीं बेटा, अच्छी टकला कर दे, नहीं करें क्यों? क्योंकि मैं टकला स्कूल में चिढ़ाते सब, चिढ़ाएंगे सब स्कूल में। पे वाईफाई लगाया है ना, ये टीवी नहीं देख रहा, बस मोबाइल पे कार्टून देखने में लगा हुआ है। अलग से शैतान कर रहा, शैतान। चलो जल्दी, ये आराम से सोया है। आज बाहर बहुत तेज धूप निकल रही है, बारिश बंद हो चुकी है 10 बजे से। तो संडे गर्मी हो गई, हमने सोचा कहीं घूमने जाएंगे, लेकिन गर्मी बहुत तेज़ हो रही है बाहर, तो कहीं नहीं जा रहे, आराम से अंदर ले जाएंगे। अब टाइम हो गया एक, अब करेंगे लंच। बहुत सारा वेट करने बाद हमारा लंच पहुंच चुका है, दही और ये सब सारा जो हम खाते हैं। आई होप आप सभी ने लंच कर लिया हो, क्योंकि हम तो काफ़ी लेट हो चुके हैं, 1:30 बज चुका है। तो अभी हम सब लोग आए हैं कहाँ? बेर अभी नहीं होते, जामुन होते हैं अभी। बेर ना, सब लोग घूमने आए हैं, शाम के टाइम इवनिंग हो रही है अभी, शाम के बजे 5:30-6 बज गया होगा लगभग, टाइम देखा नहीं। और मस्त लोकेशन में आए हैं, पीछे जंगल, नदी, हरी भरी, हरी भरी हरियाली, और क्या और कुछ वहाँ नहीं जाना, इधर आओ। तो वहाँ पे तो दिखा भाई, इतनी बड़ी बड़ी लकड़ी क्या है, लकड़ी है यार, इतनी सारी यार, इतनी वहाँ पे पूरा पेड़ गिरा है। तो आज का ये ब्लॉग जो है लक्षित शूट करेगा, लक्षित बताएगा यहाँ के बारे में। तो चलो बैक कैमरे से शूटिंग करते हैं इसके साथ, लक्षित बताएंगे इसके बारे में हम कहाँ हैं। तो फिर चांसेस डूबने के हैं,
कितना चांस है डूबने के? बहुत बहुत है। और कुछ नदी में डूबने वाला हो रहा, पानी तो आया नहीं, पानी तो आया नहीं। हम चलेंगे नदी के किनारे, चलो। वो सामने से, ये सामने क्या दिख रहा है देखो, जैसा लग रहा है कि परमाणु बम फट गया हो कहीं। कितना अच्छा व्यू है यार इसका, वाह। बादल देखो कितने लहरा के आ रहे हैं ऊपर, और ये कल रात तक, आज रात तक पानी के रूप में बरसेंगे। बिल्कुल नदी का किनारा और बादल, वाह। तो हम आ गए बिल्कुल नदी में, और यहाँ पर जो है पानी बड़ा नहीं, यहाँ मछली है। कहाँ पे है? छोटे 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 बच्चे हैं मच्छी के। तो चप्पल यहीं खोलेंगे, चप्पल खोल दो। अभी नदी में स्कूल खुलने का लास्ट डे है, तो एंजॉय करने आया इवनिंग में नदी में। नहीं, बहुत कम पानी है, डूबने वाला थोड़ी है इसमें। कच्चा भीगेगा, ये नहीं गारंटी, कच्चा भीग सकता है दोस्तों इसका। क्यों चलो, हे तो हम पानी आ, पानी गर्म है क्या? गर्म है ना पानी, है कितना गर्म है। हे 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 हे, और सामने देखिए ये बादल, यहाँ पर सनसेट हो रहा है, शाम का वक्त है तो सूर्यास्त हो रहा है, और जो बादल दिख रहे हैं ना बिल्कुल पहाड़ से लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम पहाड़ के जड़ पे खड़े होंगे और यहाँ से सूर्य डूबने वाला होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। हम है भाबर में, तो यहाँ पर पहाड़ का मतलब नहीं, ये है बादल का पहाड़, और यहाँ पर सूर्यास्त हो रहा है। पूरब दिशा से चंद्रमा निकल चुके हैं ये देखिए, और पश्चिम दिशा में सूर्यास्त हो रहा है यहाँ पे। तो एंजॉय हो रहा है नदी में। कपड़े नहीं भिगाना, ठीक है? गर्म पानी है यार ये, नहीं भिगेगा बेटा, आप ऊपर मत करो, कोई बात नहीं, नहीं भिगेगा। सब लोग अपना नाम लिख रहे हैं, और पानी, पानी में पत्थर को टप्पा दिलवा रहा है, यूज नहीं हो पा रहा है। लक्षित इसमें नाम लिखो अपना। लिख दिया। तो ये गली जा रही है अंदर, ये जंगल के बीचों बीच जाती है जंगल में अंदर, और उधर को क्या है? मछली, असली कुछ नहीं है। लक्षित गड्ढा क्यों खोद रहा है? टॉयलेट करूंगा। बाथरूम बना रहा है यहाँ। अरे ना पानी भर रहा इसमें। अरे ये बदतमीज, देखो यार गड्ढा खोद। कंट्रोल कंट्रोल, पोटी करने के लिए बना रहा है गड्ढा। ये पानी हटा रहा हूँ सारा जंगल। मत डाल, एक फिट का गड्ढा, और ये हाथ है। अब ये इसको तो ये कितने टप्पे खाएगा पत्थर पानी में, वेव करेगा। चलो एक दो, लक्षित आज बहुत गड्ढे बना रहा है यहाँ पे, दो तीन गड्ढे बना दिए, एक में सुसु कर दी। अब क्या बना रहा है लक्षित? ये बादल के ऊपर देखिए कैसा लग रहा है, जो पहाड़ बना था बादलों के ना। हाँ, तो उसके ऊपर से ये देखिए यहाँ से आग ऐसी निकल रही है इसमें, ऐसा लग रहा है कि बादल के ऊपर आग लग गई। वाह, व्हाट अ सीन। यहाँ सब लगे अपने अपने लिए और टॉयलेट बना रहे हैं। इनको ठेका दिया हमने। लक्षित चलो, हो गया, आ जाओ, हाथ धो लो, एंजॉय करने दो।
अरे तो पूरे महीने एंजॉय कर दे यार। चलो हाथ धो लो। महल बना रहा, महल अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन हो रहा है यहाँ पे लक्षित द्वारा। और ये ऐसे अंदर पानी निकाल के क्या हो रहा है ये तो यार वो ऊद बिलाव नहीं होता जो गड्ढा खोदता है अपने के लिए, वैसे बना रहा है। चलो चलो, अरे वाह पानी आ गया तेरे गड्ढे में। चलो आप हो गया, बहुत हो गया। ये वो नहीं होता ऊद बिलाव, दो ऊद बिलाव लगे हैं। तो यहाँ किया हमने शूट आज का ब्लॉग, और देखो यहाँ कितनी हरियाली है। वाह चारों ओर बहुत सारी हरियाली है, हरा भरा जंगल है, जंगल के किनारे नदी बह रही है, और हमारा गांव लगा हुआ यहाँ से जंगल से। तो गाइस रात के बज चुके हैं 10, और गर्मी जो दो चार दिन पहले हुआ करती थी बारिश से पहले उतनी फिर होने लग गई है, बहुत सड़ी गर्मी हो रही है, चिपचिपी भरी। तो मैं अभी डिनर वगैरह करके अब भी अंदर आए हैं अपना सारा काम बढ़ाने के बाद, और आज लक्षित की हो गई है तबीयत ख़राब, सर पे उसके गर्म हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो ठंडी पट्टी रखी हुई है और हमारी एसी भी ऑन है तब भी इसको गर्म हो रहा है। तो अब ये कल से स्कूल है और आज इसकी तबीयत ख़राब हो गई, पता नहीं क्या होता, क्योंकि मेरे साथ अभी ये नदी में खेल रहा था शाम के वक्त, हो सकता है वहाँ से कोई प्रॉब्लम हो। घर वालों को कहा मैंने ऐसा तो करें इसको, नदी का कुछ भी छल बल लग सकता है। जय श्री राम की कृपा से कुछ नहीं होना चाहिए इसको। कल स्कूल है, स्कूल जाएगा। अभी तो हमने इसको एक कंबल ओढ़ा रखा है और एसी भी ऑन है, कोई दिक्कत नहीं है, और इसके सर पर पट्टी भी रखी, हो सकता है तापमान थोड़ा कम हो जाए। तो दोस्तों इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं एंड, बहुत रात हो गई, बहुत लंबा ब्लॉग हो गया। मिलेंगे फिर से नए ब्लॉग नए वीडियो के साथ, और आप सबका प्यार मेरे पर बने रहे ऐसे ही। बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है आज की छोटी सी शॉर्ट वीडियो में और वीडियो पे, लॉन्ग वीडियो पे, दोनों पे, तो आप सभी का धन्यवाद। और ऐसे ही प्यार बनाए रखना, तब तक के लिए आप सभी को मेरा गुड नाइट, प्यार भरा।